प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनाव प्रचार के लिए एक बार फिर जम्मू कश्मीर पहुंचने वाले हैं। उनके आने से पहले तैयारियां की जा रही हैं। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल जनसभा को जिला डोडा में संबोधित कर चुके हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कश्मीर घाटी और जम्मू के कटड़ा इलाके में होने वाला है। प्रधानमंत्री एक जनसभा कश्मीर घाटी और दूसरी जम्मू संभाग की धर्मनगरी कटड़ा में करने वाले हैं। प्रधानमंत्री की पहली जनसभा श्रीनगर में होने वाली है, जिसको लेकर सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले ही पूरे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रैली स्थल के बाहर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। CISF, CRPF और BSF सहित पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। श्रीनगर में काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और आम लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। लोगों में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए काफी उत्साह देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री के आने से पहले भाजपा के दिग्गज नेता रैली स्थल का दौरा कर तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। बहुत ज़्यादा खुशी, हम पूरे कश्मीर के जितने भी 80 लाख लोग हैं, आज आप देख रहे हैं कि कितना खुशियों के चेहरे से जो है लोगों को जो है चेहरे खिले हुए हैं। तो हम सबको भी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत खुशी है कि आज मोदी जी इलेक्शन में यहाँ आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। क्या आपको लगता है कि इससे वोट्स में इजाफा हो जाएगा आप लोगों को? नहीं, इस बार कश्मीर में ज़रूर कमल खिलेगा। आपने देखा होगा कि DDC में भी 2021 में 3 कमल खिले, और आज हमें लगता है बिजबेड़ा, जैसे जहां पे मैंने कंटेस्ट किया है, बिजबेड़ा से पहली बार मुझे लगता है कमल खिलेगा, और खिल गया है। और आने वाले आप देखिए इलेक्शन में यहां 6 या 7 कमल खिलेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर खिलेंगे। मिनिस्टर की ये पहली विजिट है कश्मीर में 370 के टूटने के बाद, और ये भारतीय आयन के तहत पहला इलेक्शन जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का हो रहा है। लोगों में उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी के वर्कर में भी उत्साह है। हम सब यहाँ पे इकट्ठे हैं सुनने के लिए प्राइम मिनिस्टर को, कि प्राइम मिनिस्टर जी का व्यू क्या है नए कश्मीर बनाने के लिए, जो बात होती है उस नए कश्मीर के बारे में क्या सोच है प्राइम मिनिस्टर जी की।